अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम कुकिंग पॉइंट। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी शान की शाही हलीम की रेसिपी। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम मेहनत में झटपट बनकर तैयार हो जाती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर शान की शाही हलीम की पैकेट ली है, ये 300 ग्राम की है। इसे हम खोल लेते हैं। देखिए, इसमें दो पैकेट है, एक छोटा पैकेट एक बड़ा पैकेट। छोटे पैकेट में हमारे मसाले हैं और बड़े पैकेट में दाल, दलिया, गेहूं वगैरह है, जो चीजें हलीम के लिए लगती है। हलीम बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कप ऑयल को गरम कर लिया है। हम इसके अंदर दो मीडियम साइज की प्याज डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हम इसे कुकर में बना रहे हैं, आप इसे किसी खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। देखिए, हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन ली है 500 ग्राम। आप बोन के साथ भी चिकन ले सकते हैं। हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी डाल के 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। रेसिपी के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है, लेकिन हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं ताकि इसके अंदर चिकन की स्मेल ना आए। हम इसके अंदर शान के मसाले का पैकेट डालेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके 1 से 2 बार पानी डालेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए मसालों के साथ में अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने मसालों के साथ में इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। हम इसके अंदर पानी डालेंगे। हम इसके अंदर 4 गिलास पानी डालेंगे। देखिए, हमने इसमें 4 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर शान के दाल का पैकेट डालेंगे जो हमने दिखाया था आपको, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, हम इसके अंदर 2 गिलास और पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। कुकर की लीड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे 35 से 40 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने इसके अंदर टोटल 6 गिलास पानी डाला है, यह 1.5 लीटर पानी है। हमारे 40 मिनट हो गए थे, हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था, उसके बाद हमने कुकर को ठंडा कर लिया। चलिए अब हम हलीम को चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारे हलीम में से बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। हम इसे अच्छी से मिला लेंगे। देखिए, और हम गोश्त भी आपको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए, हमारा कितना अच्छा गोश्त और दाल, गेहूं वगैरह जो है वो सब बहुत अच्छी तरह से गल गया है। हम इसे ठंडा कर लेंगे और मिक्सर के जार में डाल के इसे पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे हैंड ग्राइंडर से भी पीस सकते हैं या आप इसे लकड़ी के घोटे से भी घोट सकते हैं। चलिए अब हम इसे ठंडा करके पीस लेते हैं। देखिए, हमने हलीम को पीस लिया है और इसे एक खुले बर्तन में निकाल लिया है, लेकिन ये काफी गाढ़ा लग रहा है। हम इसके अंदर 1 गिलास गर्म पानी डालेंगे। आपको जितना पतला या गाढ़ा चाहिए आप अपने हिसाब से इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। 5 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए, हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया है। हमारा जबरदस्त सा, हमारा रेशेदार शान का शाही हलीम बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, फ्राई ऑनियन डालेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए, हमारा कितना रेशेदार शाही हलीम बनकर तैयार है। ये बहुत ही जबरदस्त सा बना है, इसमें से खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन आ रही है। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। फ्राई ऑनियन डालेंगे, हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और साइड में इस तरह से नींबू रख देंगे। देखिए, ये कितना झटपट और कितनी आसानी से हमारा शाही हलीम बनकर तैयार हो गया है। ये जितना दिखने में शानदार है, खाने में उतना ही टेस्टी और मजेदार बनकर तैयार हुआ है।
आप हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।